हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीएस स्पोकन इंग्लिश। लास्ट टाइम आई हैव टेकन व्हाट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस। नाउ टुडे प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्वेश्चंस किस तरह से बनाते, क्वेश्चंस मतलब एला चाहिए अपन, प्रश्न सिंपल प्रेजेंट टेंस मध्ये प्रश्न कशा प्रकारे करता कि अपन इजी बोलू शकता ते पाहूया। त्याच्याहून पहिलं ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब, हर एक टाइम मध्ये मी फॉर्म्स ऑफ वर्ब प्रति दांटलो फॉर्म्स ऑफ वर्ब తీసుకుంటున్నాను। ఇట్లా నేను ఫామ్స్ ఆఫ్ వర్బ్ తీసుకుంటాను ఒక ఫస్ట్ ఫామ్ సెకండ్ V2 V3 V1 V2 V3। ఈ ప్రెజెంట్ సింపుల్ టెన్స్ లో ఈ ఫస్ట్ ఫామ్ కా ఉపయోగం కరనా చాహియే। ఫస్ట్ ఫామ్ కా डोंट यूज द सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, ये ओनली फर्स्ट फॉर्म। कम केम कम, मरमर घुसा घुसा लाड़ घुस घुस कर दे, मरमर मरमर मरमर, लाफ हंसने लाफ्ड लाफ्ड, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। लास्ट टाइम आई टेकन द स्टैंड सीट गो सी सा सीन ड्रिंक ड्रैंक टेल लाइक दिस, दीज आर टेकन आई हैव टेकन। नाउ सी हियर I laugh at you, मैं आपको देख के हंसतूं। You laugh at me, it is a preposition। मैं इसे पहले बोला आपको, at is a preposition, in is a preposition, to is a preposition, on is a preposition, these are the prepositions, these are the prepositions। अभी अपने को negative sentences मतलब एक चाहिए, इपड़ नेगेटिव सेंटेंस చేసినాం। वी डू नॉट कम टू स्कूल, वी डू नॉट गो टू मार्केट, वी डू नॉट ड्रिंक वाटर, वी डू नॉट मर्मर इन क्लास, यू डू नॉट लव एट यू एट मी, लाइक दिस वी हैव टू मेक द लास्ट टाइम नेगेटिव सेंटेंसेस। नाउ आई एम मेकिंग द क्वेश्चन। अभी मनम क्वेश्चन ఎలా చేస్తారు, ఆ చేసేటప్పుడు క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు ఫ్రెండ్స్ మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి, ఈ క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు అపన్ ప్రశ్న కర్తే వేళస్ మీ బహుత్ సారే లోగోన్ కో దేఖా, ఐ హావ్ సీన్ సో మెనీ పీపుల్ దట్ దే డు నాట్ మేక్ ప్రాపర్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ప్రెజెంట్ సింపుల్ టెన్స్। ఇస్మే డు ఆనా జరూరీ హై, డు మస్ట్ బి దేర్ వైల్ యు ఆర్ క్వశ్చనింగ్ ఇన్ ద సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స, డు ఆనా జరూరీ హై, డు డు ఆనా जरूरी है। डू यू लाफ एट मी, तुम मेरे को देख के हंसे क्या? डू यू ड्रिंक वाटर, डू यू सिट इन क्लास, डू यू स्टैंड ऑन रोड, डू आई लाफ एट यू, डू यू राइट लेटर, लाइक दिस डू के ऊपर क्वेश्चन आना जरूरी है। यू लाफ एट मी, तुम मेरे को तुम मुझको देख के हंसते। यू डू नॉट लाफ एट मी, क्वेश्चन अभी Do you laugh at me? अभी here the positive sentence, positive, negative, ये question, interrogative, you can say interrogative also, interrogative बोलते। You go to Mumbai, आप मुंबई जाते। You do not go to Mumbai, तुम मुंबई नहीं जाते। Do you go to Mumbai, आप मुंबई जाते क्या? Like this, you make the sentences, positive, here positive, negative, इंट्रागेटिव। अब अपने को आंसर देने का है, समझो। डू यू सी मी, यस आई सी यू, तुम बोलते यस आई सी यू। डू यू सी मी, यस वी सी यू। सो हियर द सेंटेंसेस, डू यू स्टैंड ऑन रोड, यस आई स्टैंड ऑन रोड। डू यू सिट इन क्लास, यस आई सिट इन क्लास। डू यू कम टू क्लास, यस आई कम टू क्लास। डू यू राइट इंग्लिश, यस आई राइट इंग्लिश। नहीं है तो Do you laugh at me? No, I do not laugh at you. Do you murmur in class? No, I do not murmur in class. Do you come to class? Yes, I come to class. Do you write English? Yes, I write English. Like this, you make the questions, questions as well as answers. देखिए अभी ये कभी भी अपन यहाँ पर क्या लिखना चाह रहे हैं, मैं क्या यहाँ पर बोलना चाह रहा हूँ, ये चप्पल ना डे, मैं काय सामना लो, I, we यू ये सेकंड पर्सन आगे, सेकंड पर्सन विचार लागला, डू यू आप, डू यू
डू यू मर्मर इन क्लास? अब क्लास में घुस घुस बात करते क्या? नो आई डू नॉट मर्मर इन क्लास. नहीं तो यस आई मर्मर इन क्लास. लाइक दिस डू यू सिट डाउन चेयर, सिट इन चेयर? यस वी सिट इन चेयर. डू यू राइट इंग्लिश? यस वी राइट इंग्लिश. नो वी डू नॉट राइट इंग्लिश. हियर यू नो द फॉर्म्स ऑफ वर्ब. मैं यहां पे लिमिटेड फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में बोलूं. डू आई टीच इन क्लास? डू आई टीच इन क्लास? यस यू टीच इन क्लास. अपने आप को क्वेश्चन बनाने का है तो डू आई, मैं, नेनू. डू आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू? मैं तुम्हारे सामने खड़ रहा है क्या? यस. तुम क्या बोलो? यस यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अस. आओ तुम हमारे सामने खड़े रहे. सो हियर क्वेश्चन, क्वेश्चन बनाने के बाद क्वेश्चन हियर नेगेटिव एंड पॉजिटिव. हु इज टॉकिंग? Whom is talking? I'm only taking the first person singular, first person plural, first second person singular and plural. That is why it is a very very important. Forms of verb are very important as far as English is concerned. अगर तुम्हारे simple English बात करने का है समझो, मेरे simple का English एकड़ना मार्ट लाड़ा लाइटे, first person, second person, third person, दीदी दी स्पून टू प्रेजेंट सिंपल टेंस लो ओनली द वी वन उपयोगించాలి. ओनली वी वन. वाटर बॉइल. अब मैं बोल तो बात नहीं, वाटर बॉइल आता कि बॉइल्स आता. थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए आई टेक थर्ड पर्सन सिंगुलर लिए जब मैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करता हूं. नाउ फ्रेंड्स व्हाट शुड यू डू? सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, like it so that I can get encouragement. Thank you friends.